गुड इवनिंग दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। पिछले क्लास में अपन ने देखा था मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि किस प्रकार से विश्व के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि थी, फिर देखा था भारत के संदर्भ में। उसके बाद आज आगे अपन चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कहाँ कहाँ इनका उल्लेख है। यानी कि अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार, मूल अधिकार, पिछली क्लास में अपन ने मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की थी और आपको बताया था कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। कितने प्रदान किए थे? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी कि 7 मूल अधिकार नागरिकों को या व्यक्तियों को दिए गए थे। कितने मूल अधिकार दिए गए थे? 7 मूल अधिकार दिए गए थे। अब अगर बात करें अपन वर्तमान संदर्भ में, तो एक आर्टिकल आता है जिसका नाम है अनुच्छेद 31। आर्टिकल है कौन सा? अनुच्छेद 31। यानी कि अगर अपन बात करें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 की अगर बात की जाए, तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार था। किसका उल्लेख है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल संविधान में व्यक्तियों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक कितने मौलिक अधिकार दिए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए थे। अनुच्छेद 31 की अगर बात की जाए, तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार था। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समय 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था, और इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, कौन सा? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया। इसको निरस्त किया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया, यानी कि मूल अधिकारों की श्रेणी से इसे निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद अगर आगे बात करें, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार निरस्त हुआ था, और इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 12, संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 300 क के द्वारा एक कानूनी अधिकार बनाया। क्या बनाया है? अनुच्छेद 300 क के द्वारा कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बनाया। यानी कि अगर अपन बात करें कि जो मूल संविधान में अनुच्छेद 31 था, इस अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था व्यक्तियों को, और संपत्ति के मौलिक अधिकार को मोरारजी देसाई के समय 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया गया था, और इसे भाग 3 अनुच्छेद 31 से निरस्त करके संविधान के भाग 12
अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया, यानी कि वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न हो करके अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार है। यानी कि जो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अपन चर्चा करें तो इन 6 मौलिक अधिकारों में से, इन 6 मौलिक अधिकारों में से अगर देखा जाए तो पहला मुद्दा यह उठता है कि मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है ना। अपन यहाँ पर चर्चा करें कि भाई जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है, यानी कि मूल अधिकार किसको प्राप्त है। प्रश्न क्या है आपके सामने कि मूल अधिकार किसको प्राप्त है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मूल अधिकार हैं वो मूल अधिकार व्यक्ति और नागरिक दोनों को प्राप्त है, व्यक्ति और नागरिक दोनों को प्राप्त है। यहाँ नागरिक शब्द से तात्पर्य है केवल भारतीय, केवल भारतीय। व्यक्ति शब्द से क्या तात्पर्य है? केवल भारतीय। जो केवल भारतीय है वो नागरिक, और व्यक्ति से तात्पर्य है कि भारतीय प्लस विदेशी, भारतीय प्लस विदेशी जो नागरिक है उनको, यानी कि मौलिक अधिकार भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो व्यक्ति शब्द से अगर अपन तात्पर्य लगाए तो व्यक्ति एक विस्तृत विचारधारा है, और नागरिक शब्द की अगर बात की जाए तो एक संकुचित संकुचित विचारधारा है। नागरिक क्या है? एक संकुचित विचारधारा। जबकि व्यक्ति की अगर बात की जाए तो व्यक्ति एक विस्तृत विचारधारा है। क्या है? एक विस्तृत विचारधारा है। बात समझ में आई? व्यक्ति एक विस्तृत विचारधारा है जबकि नागरिक एक संकुचित विचारधारा है। व्यक्ति से तात्पर्य भारतीय और विदेशी दोनों से है, और नागरिकों से तात्पर्य केवल भारतीय नागरिक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए मूल अधिकार व्यक्ति और नागरिक दोनों को ही प्राप्त है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मौलिक अधिकार, उसमें आएगा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 तथा 30। यानी कि अनुच्छेद 15 जिसमें धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है का उल्लेख है। आर्टिकल 16 में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का उल्लेख है। 29-30 में अल्पसंख्यकों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। ये जो 5 आर्टिकल आपके सामने लिखे हैं इनमें वर्णित प्रावधान केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। यानी कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। शेष बचे हुए मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी कि व्यक्ति जिसमें भारतीय और विदेशी दोनों आएंगे, तो शेष किसको प्राप्त है? व्यक्तियों को प्राप्त है। दोनों ही शब्दों का थोड़ा विशेष आप ध्यान रखें। इसके बाद अगर आगे बात करें तो जो मूल अधिकार है ये मूल अधिकार व्यक्ति और नागरिकों को प्राप्त है। आगे अगर इसमें अपन चर्चा करें तो मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है। राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी कि मौलिक अधिकार राज्य के ऊपर प्रतिबंध निषेध स्थापित करते हैं। तो ये व्यक्तियों को व्यक्तिगत तो स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। तो याद रहे किसके विरुद्ध दिए गए हैं? राज्य के विरुद्ध। किसको दिए गए हैं? तो व्यक्तियों को दिए गए हैं। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट अगर इसके बाद आगे बात करें तो वर्तमान समय में, यानी कि
अपने वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में व्यक्तियों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए। कितने मौलिक अधिकार दिए गए? 6 मौलिक अधिकार दिए गए। मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। कौन सा हटाया? संपत्ति का मौलिक अधिकार। कहाँ वर्णन था? अनुच्छेद 31 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया। प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई था। अभी कहाँ पर उल्लेख है? भाग 12 300 अनुच्छेद 300 क में उल्लेख है। प्रकृति कैसी है? विधिक अधिकार है, या यूं कहें कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। वर्तमान में 6 जो मौलिक अधिकार है उनकी चर्चा करते हैं कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो आपके सामने है, पहला मौलिक अधिकार है आपके सामने समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इस समानता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक किया गया है। फिर अगर बात करें नंबर 2 पर, तो दूसरा मौलिक अधिकार है आपके सामने स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर बात करें नंबर 3, तो नंबर 3 पर आता है आपके सामने शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। उसके बाद नंबर 4 पर अगर बात करें अपन, तो नंबर 4 पर उल्लेख मिलता है आपके सामने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करें, पांचवा है आपके सामने शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की अगर बात करें तो उल्लेख मिलता है कहाँ पर? अनुच्छेद 29-30। उसके बाद आर्टिकल 31 की अगर बात की जाए, तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद अगर आगे बात करें, तो अगला है आपके सामने छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 32 में। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो बात क्लियर हुई यहाँ पर, यानी कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार, जिसमें पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, वर्तमान में 6 लाइट, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। फिर अगर आगे बात करें अपन, यानी कि सबसे पहले देखेंगे समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। इस फैन को इधर घुमा दो यार, फैन फैन पंखा। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार की अगर अपन बात करें कि सामने पहला अधिकार है
समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की अगर बात की जाए तो समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यानी कि अपन बात कर रहे हैं आर्टिकल 14, किसकी बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है, विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। यानी कि अनुच्छेद 14 की अगर शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि ना व्यक्तियों के लिए, इसके लिए व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। समान संरक्षण, दोनों शब्द देखने में एक जैसे लग रहे लेकिन इनमें व्यापक अंतर है। पहला है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता जो है, यह शब्दावली ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और विधि का समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यानी कि विधि के समक्ष समानता की अगर बात की जाए तो विधि के समक्ष समानता जो है एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है, या यूं कहें यह एक नकारात्मक प्रणाली है। और विधि का समान संरक्षण की अगर बात करें तो यह एक सकारात्मक प्रणाली है, सकारात्मक। अब सकारात्मक और नकारात्मक कैसे, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। यानी कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यानी कि प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में सबके लिए समान रूप से कानून लागू होंगे, यही है समक्ष, विधि के समक्ष समानता। यानी कि कानून जो है उसके समक्ष सभी एक समान है, प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसे कानून लागू होंगे। जबकि विधि का समान संरक्षण कहा गया कि सभी के लिए कानून एक समान है लेकिन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनमें संशोधन किया जा सकता है। तो भिन्न विपरीत परिस्थितियों में उनमें कुछ छूट दी जा सकती है। यानी कि विधि के समक्ष समानता, यहाँ पर किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। विधि का समान संरक्षण यानी कि यहाँ पर आवश्यकता अनुसार छूट दी जा सकती है। अनुच्छेद 14 का एक अपवाद है, इसके अपवाद की अगर बात की जाए, यानी कि विधि के समक्ष समानता और विधि का जो समान संरक्षण है कि सभी के लिए एक जैसे कानून, यहाँ अपवाद है आर्टिकल 361, अनुच्छेद 361 इसका अपवाद है। और आर्टिकल 361 में कहा गया है कि यह राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है इनके लिए समान रूप से लागू नहीं होंगे। यानी कि राष्ट्रपति इसका अपवाद है आर्टिकल 14 का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगर अपन आगे, तो आर्टिकल 14 के बाद अगला मौलिक अधिकार है अपने पास अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 की अगर बात की जाए तो मूल रूप से अनुच्छेद 15 में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अनुच्छेद 15 के पार्ट हैं 15(1), 15(2), 15(3), फिर बाद में जोड़े गए 15(4), 5 और 6। तो अनुच्छेद 15 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 15 नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 15 सामाजिक सामाजिक समानता, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की बात करता है। किसकी बात करता है, सोशल इक्विलिटी एंड सोशल जस्टिस की बात करता है आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, यह आर्टिकल नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। यहां तक क्लियर हुई बात। इसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15 के संदर्भ में, तो अनुच्छेद 15 मैंने बताया था आपको मूल रूप से अनुच्छेद 15 में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(1) की अगर बात की जाए तो
इसकी शब्दावली को आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 15(1) क्या कहता है? आर्टिकल 15(1) कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, मूल वंश, पांच शब्द आए हैं आपके सामने। पांच शब्द कौन कौन से? धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और मूल वंश। ये पांच ही लिखे हुए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई छठा शब्द नहीं है आर्टिकल 15(1) में। पांच शब्द लिखे हुए हैं और आर्टिकल 15(1) कहता है कि राज्य नागरिकों के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और मूल वंश के आधार पर, है ना, के आधार पर नागरिकों के साथ, किसके साथ? नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं आप? आर्टिकल 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बात समझ में आई? इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो अगला अनुच्छेद है आपके पास, अनुच्छेद 15(2). कौन सा है? अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2) की बात की जाए तो अनुच्छेद 15(2) में वापस यही लाइन रिपीट है कि धर्म, रिलीजन, कास्ट, धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और मूल वंश। बात समझ रहे हो ना? अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(2) कहता है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और मूल वंश के आधार पर, के आधार पर, मूल वंश के आधार पर किसी भी नागरिक को, के आधार पर किसी भी नागरिक को किसी होटल, भोजनालय, दुकान, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान। यानी कि आर्टिकल 15(2) कहता है कि राज्य किसी नागरिक को धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश के आधार पर किसी होटल, भोजनालय, दुकान, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश हेतु नहीं रोकेगा, है ना, इन स्थानों पर प्रवेश हेतु प्रतिबंधित नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है ना? कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और मूल वंश के आधार पर किसी नागरिक को होटल, भोजनालय, दुकान, मनोरंजन के स्थान आदि पर प्रवेश हेतु नहीं रोकेगा। यानी कि इनके ऊपर, यहाँ पर प्रवेश के संदर्भ में कोई पाबंदी नहीं होगी, नहीं रोकेगा। बात समझ में आई? यानी कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी होटल, सार्वजनिक भोजनालय, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर जाने से प्रतिबंधित नहीं करेगा। इसके साथ ही इसमें एक लाइन और जोड़ी गई है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित या राज्य द्वारा स्थापित किसी कुआं या पेयजल का स्थान हो सकता है, कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क के प्रयोग हेतु वंचित नहीं करेगा। बात समझ में आई? यानी कि अपन यहां बात कर रहे हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश के आधार पर राज्य द्वारा पोषित या राज्य द्वारा स्थापित किसी कुएं,
तालाब, स्नान घाट या सड़क के प्रयोग हित के प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, प्रतिबंध नहीं लगाएगा। यानी कि राज्य के द्वारा अगर कहीं पर स्नान घाट बनाया गया, राज्य के द्वारा कहीं पेयजल की व्यवस्था की गई है, राज्य के द्वारा कहीं सड़क का निर्माण किया गया है, या राज्य द्वारा वित्त पोषित है वो, या राज्य द्वारा स्वशासी संस्था है, तो इनके प्रयोग के लिए, इनके प्रयोग पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 15(2) में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया, सोशल इक्विलिटी पर बल दिया गया है। 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, 5 शब्द हैं, इनके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक, राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग के आधार पर होटल, भोजनालय, दुकान, मनोरंजन के स्थान में प्रवेश हेतु नहीं रोकेगा, तथा राज्य द्वारा वित्त पोषित कुआं, तालाब, स्नान घाट तथा सड़कों के प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। इस प्रकार की बात कही गई है कहाँ पर? आर्टिकल 15(2) में। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से एग्जाम में कोई प्रश्न बनता है, तो ये जो मैंने आपको शब्दावली बताई है, इसमें थोड़ा सा हायर फेर हो सकता है। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी होटल, भोजनालय, दुकान और मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश हेतु नहीं रोका जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आर्टिकल 15(2) में कहीं पर भी मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। बात समझ रहे हो ना आप? अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि दक्षिण भारत में आपने देखा होगा कि मंदिरों में प्रवेश को लेकर के काफी व्यापक स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, या फिर कई सारे आंदोलन हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15(2) में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि इनके प्रवेश के संदर्भ में आर्टिकल 15(2) में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आर्टिकल 15(2) में किनके प्रवेश के संदर्भ में उल्लेख है? होटल में प्रवेश, भोजनालय में प्रवेश, दुकान में प्रवेश, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में प्रवेश का उल्लेख है। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के प्रवेश के संदर्भ में कोई उल्लेख 15(2) में नहीं किया गया है। अब यहाँ पर स्पष्ट हुआ है आपको कि आर्टिकल 15(2) में क्या कह दिया है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ आर्टिकल 15(3) को समझना, 15(3) में क्या कहा गया है कि एक तरफ तो 15(2) में कहा गया है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन साथ ही अगर अपन अनुच्छेद 15(3) को देखें, किसको देखें? अनुच्छेद 15(3) को देखें तो 15(3) में क्या कहा गया है कि राज्य चाहे तो महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। बात समझ में आई आपको? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी अनुच्छेद 15(2), इसकी चर्चा की थी। अनुच्छेद 15(2) क्या कहा था कि लिंग के आधार पर, है ना, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, यानी कि लिंग के आधार पर एक शब्द आया था कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15(3) में क्या कह दिया है कि राज्य चाहे तो महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
जो आर्टिकल 15(2) का उल्लंघन उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आप बात समझ रहे हो ना, 15(3) में कहा अगर महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान किए जाते हैं तो वो 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, यानी कि जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को मद्देनजर रखा गया यहाँ पर। आर्टिकल 15(2) में कहा गया था, वापिस में रिपीट करता हूँ कि आर्टिकल 15(2) में क्या कहा गया था कि स्नान घाट, जो स्नान घाट है वहां पर स्नान घाट शब्द का प्रयोग हुआ था, और वहां कहा गया था कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए अलग से स्नान घाट बना सकती है जहां पर व्यक्तियों का, पुरुषों का प्रवेश निषेध होगा, जो आर्टिकल 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कोई सार्वजनिक स्थल है, मनोरंजन के स्थल है, उन मनोरंजन के स्थल में राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए अलग से कोई पार्क स्थापित कर सकती है, जो आर्टिकल 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा सकता है जहां पुरुषों का प्रवेश निषेध होगा। तो इसीलिए महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रकार की छूट दी गई है और वो 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये बात कहाँ कही है? 15(3) में कही गई है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन आगे, तो ये आर्टिकल 15 के संदर्भ में 15(1), 15(2) और 15(3) मूल संविधान की बात थी। फिर अगर आगे अपन देखें तो अगला आर्टिकल है आपके सामने अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) की अगर बात करें तो अनुच्छेद 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि 15(4) कब जोड़ा? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। और इस अनुच्छेद 15(4) की अगर बात करें अपन, तो इस अनुच्छेद 15(4) में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 15(4) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में, प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण दिया गया। बात समझ रहे हो ना? अनुच्छेद 15(4) की बात कर रहे हैं अपन। अनुच्छेद 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्था, किसमें? शिक्षण संस्था में प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण है। किसके संदर्भ में आरक्षण है? प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण दिया गया है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो एक और आर्टिकल है आपके सामने, अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) जो है वो 93 संविधान संशोधन 2006, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। अनुच्छेद 15(5) 93 संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया था। और अगर 15(5) की अपन बात करें, इस अनुच्छेद 15(5) में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने शिक्षण संस्था शब्द का प्रयोग किया था 15(4) में। 15(5) पढ़ रहे हैं ओबीसी को उच्च शिक्षण संस्था, किसमें? उच्च शिक्षण संस्था, उच्च शिक्षण संस्थाओं, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण, प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण। बात समझ में आई है आप लोगों को? अनुच्छेद 15(5) 93 संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया,
जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को उच्च शिक्षण संस्थाओं में, किसमें, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण दिया गया है, जबकि 15(4) में केवल शिक्षण संस्था शब्द का प्रयोग हुआ है ना, शिक्षण संस्था, और 15(5) में उच्च शिक्षण संस्था शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण 93 संविधान संशोधन 2006 के द्वारा दिया गया है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में बात हुई है, लेकिन यहाँ पर याद रहे आपको कि जो अल्पसंख्यक वर्ग की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उन शिक्षण संस्थाओं का यहाँ पर उल्लेख नहीं हुआ है। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग से शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें आरक्षण की यहाँ 15(5) में कोई बात नहीं हुई है। नेक्स्ट, अगले आर्टिकल की अगर अपन बात करें तो 15(6) अगला अनुच्छेद आपके सामने है, अनुच्छेद 15(6). अनुच्छेद 15(6) की अगर बात की जाए तो यहाँ 103वे संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था, 103वे संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। और इस 103वे संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 103वे संविधान संशोधन 2019 के द्वारा सामान्य वर्ग के, किसके, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, इन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण दिया। कितना दिया है, 10% आरक्षण दिया है। आप बात समझ रहे हो कि अनुच्छेद 15(6), 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया, और इस 103वें संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग के वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये था आपके सामने अनुच्छेद 15। मैं एक बार पुनः अनुच्छेद 15 को रिपीट कर देता हूँ कि अपने आर्टिकल 14 और 15 की चर्चा की है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, फिर अनुच्छेद 15 की बात की थी जो सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समानता पर बल देता है। अनुच्छेद 15(1) में मैंने बताया था आपको कि धर्म जाति लिंग जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव निषेध होगा। फिर बताया था आपको अनुच्छेद 15(2) में कहा गया था कि धर्म जाति लिंग जन्म स्थान मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो प्रवेश के संदर्भ में क्या था, होटल दुकान सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थान है, यहाँ पर प्रवेश हेतु प्रतिबंध नहीं रहेगा। तथा इसी में बताया था कि राज्य द्वारा वित्त पोषित कुआं तालाब और सड़कों का प्रयोग कर सकेगा, यानी कि नागरिकों को कहा था कि कुआं तालाब और सड़कों का वो प्रयोग कर सकते हैं, तथा होटल दुकान मनोरंजन और सार्वजनिक स्थल पर वो प्रवेश कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर 15(3) पढ़ाया था, और 15(3) में क्या कहा था कि राज्य चाहे तो महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये मूल संविधान की बात हो गई थी। फिर अगला आर्टिकल बताया था अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) प्रथम
प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें क्या कहा गया था कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण। इसमें आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण प्रदान किया जाए। फिर अगला आर्टिकल आपको बताया था मैंने, अनुच्छेद 15(5). 15(5) 93 संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें कहा गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को उच्च शिक्षण संस्थाओं में, इसमें उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और अंतिम आर्टिकल बताया था आपको अनुच्छेद 15(6). अनुच्छेद 15(6) 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया, और इस अनुच्छेद 15(6) में सामान्य वर्ग, कौन सा वर्ग? सामान्य वर्ग। और सामान्य वर्ग में भी कौन सा? जो आर्थिक रूप से कमजोर है। क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण। कितना है? 10% आरक्षण। ये था आपका अनुच्छेद 15। ऐसे कैसे आपको याद रखना है? 15(1) धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। 15(2) कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थल, होटल, तालाब, कुआं आदि में प्रवेश के संदर्भ में निषेधाधिकार, मतलब प्रवेश के संदर्भ में उन्हें रोका नहीं जाएगा। 15(3) राज्य चाहे तो महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रवेश के संदर्भ में। 15(5) 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी को उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में आरक्षण। 15(6) 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण दिया गया है। ये था आपके सामने अनुच्छेद 15। अगला है आपके सामने आर्टिकल 16। अनुच्छेद 16 में अवसर और प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? अवसर और प्रतिष्ठा, अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, जो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में।